नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर डंगनिया रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है लो कॉस्ट IVF। बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि लो कॉस्ट IVF क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, जो IVF का कॉस्ट होता है वो मोस्टली दो चीज़ों पर वो होता है, निर्भर होता है। मतलब या तो हम कह सकते हैं कि इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो होता है वो लैब का, हॉस्पिटल का खर्च होता है, और एक आपके जो इंजेक्शंस और जो मेडिसिंस लगते हैं उसका खर्च होता है। तो IVF हम जब करते हैं तो स्टैंडर्ड IVF में या लो कॉस्ट IVF में लैब का जो खर्च होता है वो लगभग सेम रहता है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। स्टैंडर्ड IVF में हम 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगाते हैं। तो इंजेक्शंस की कैटेगरी और इंजेक्शंस कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, प्योर से लेके रिकॉम्बिनेंट तक, तो उसमें 40-45 हज़ार से लेके 80-90 हज़ार तक इंजेक्शन का ही खर्च हो जाता है। लो कॉस्ट IVF में हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस है और नंबर ऑफ़ डेज हैं वो कम कर देते हैं। और इसमें जैसे स्टैंडर्ड IVF में क्या है कि 10-12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं तो नंबर ऑफ़ एग्स जो है फॉलिकल्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर जैसे मेल फैक्टर है, फीमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ट्यूबल फैक्टर है जिसपे कि ओवरी का रिजर्व अच्छा है, पेशेंट यंग है, तो उसमें हम लो कॉस्ट IVF या मिनी IVF कहते हैं उसमें भी जा सकते हैं। इसमें हम लगभग 4-5 दिन इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि हमको लगभग 5-6 फॉलिकल भी अगर मिल जाते हैं, 5-6 एक अगर मिल जाते हैं, तो पेशेंट का एक साइकिल का ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। या दूसरा एक कंडीशन होता है जिसमें कि जैसे बहुत कम AMH है और पेशेंट चाहती है कि उसका ही एग हम यूज़ करें, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डोज में अगर हम इंजेक्शन्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे फॉलिकल्स मिल जाएंगे। अगर हम एक एवरेज इंजेक्शन लगाएं डोज में या फिर बहुत ज़्यादा लगाएं तो भी नंबर ऑफ एग्स हमको लगभग सेम ही मिलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम कभी कभी मिनी IVF या लो कॉस्ट IVF को काम में लाते हैं, जिससे कि उसका जो ट्रीटमेंट में एग मिलने के चांसेस हैं या सक्सेस के चांसेस हैं वो अच्छे रहते हैं। और तीसरा एक कंडीशन होता है, जैसे कई बार हम लोग IVF के लिए पेशेंट को तैयार करते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट का इंटरव्यू उसने दिया है, उसको मैंने IVF से IVF में कन्वर्ट किया था, तो उसको हमने केवल 3 दिन इंजेक्शन दिए थे और प्लस मेडिसिन दिया था। 3 दिन इंजेक्शन देने के बाद में फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद में देखा कि उसके नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं। IVF में हमको 2-3 फॉलिकल चाहिए रहते हैं, इसमें उसको 6-7 फॉलिकल दिख रहे हैं। तो पेशेंट को हमने काउंसलिंग किया कि आपको इतने फॉलिकल्स बन रहे हैं तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप एक IVF साइकिल में इसको हम कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स 6-7 बन रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को IVF करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस या हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस अगर हो गए, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो थोड़ी सी पेशेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट को काउंसलिंग किया और पेशेंट तैयार भी हो गए। तो हमने पेशेंट को 5 डेज मेडिसिन दिए थे टैबलेट, और उसके बाद 3 दिन इंजेक्शन दिया था, 2 दिन इंजेक्शन और, तो टोटल 5 डेज इंजेक्शन लगा, जिससे कि पेशेंट का जो इंजेक्शन का कॉस्ट था वो काफ़ी कम हो गया, और उसमें हमको अच्छे मतलब 4 अच्छे क्वालिटी के एग मिल गए, और फर्टिलाइज करके हमने ट्रांसफ़र किया और पेशेंट को ट्विंस हुए हैं। तो ये लो कॉस्ट IVF का ये मतलब है कि पेशेंट का जो टोटल कॉस्ट है IVF का वो कम हो जाता है, लेकिन सक्सेस के चांसेस जो है वो अच्छे रहते हैं। ओवरऑल हम अगर कॉस्ट की बात करें तो जैसे कि हम स्टैंडर्ड IVF करते हैं तो उसमें ये है कि जैसे आपके नंबर ऑफ एग्स हमको ज़्यादा मिले, और उसमें 2 हमने जैसे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी आपके जो एम्ब्रियोज बने हैं उसको हमने फ्रीज कर दिया, और एक बार कंसीव होने के बाद में उस एम्ब्रियो को आप फिर से यूटिलाइज़ करके फिर से प्रेगनेंसी पा सकते हो, तो इसमें ओवरऑल जो आपका कॉस्ट है सेकेंड IVF का पूरा कॉस्ट आपका सेव हो जाता है। केवल आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो कॉस्ट और ट्रांसफ़र का कॉस्ट है वही लगता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आप अपने जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज अगर ज़्यादा बने हैं तो उसको फ्रीज करके आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जो कॉस्ट है, एक ही IVF के कॉस्ट में लगभग आपका 2 साइकिल हो रहा है, और अगर लो कॉस्ट IVF की बात करें तो हम नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस या नंबर ऑफ़ डेज कम करके, आपका इंजेक्शंस का खर्च कम करके आपको IVF का ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपको आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, दोनों के बारे में आप डिस्कस करिए, और जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, जो आपको अफोर्डेबल हो, उस ट्रीटमेंट में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं, कोई और भी आपके मन में प्रश्न हैं, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम गरिमा सिंह है,
ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम है प्रतीक सिंह ठाकुर। हम रायपुर के ही निवासी हैं, शंकर नगर में रहते हैं। और हमारी शादी के 8 वर्ष पश्चात हमें बच्चों की प्राप्ति हुई है, जिसमें ये बेटा है और ये मेरी बेटी है। और हालांकि ये सौभाग्य हमें मैम के थ्रू मिला और IVF टेक्निक के द्वारा हमारा ट्रीटमेंट हुआ। मेरी एज 34 इयर्स है और मैं इस पूरे अस्पताल के सभी स्टाफ को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मॉरल सपोर्ट भी दिया हमें। मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया और थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही। और यहाँ का पूरा स्टाफ, प्रवीण सर, दीपिका मैम, नलिनी मैम के तो हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और इससे अगर मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ होंगे तो धन्यवाद कहना चाहूँगी। स्पेशली नली मैम को थैंक यू सो मच। मैम का पर्सनल अटेंशन हमें मिला और रिजल्ट भी यस जो हम चाहते थे वही हुआ। एक लड़का एक लड़की चाहिए था टेंस में। थैंक यू पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को और मैम को, नली मैम। मिनी IVF या लो कॉस्ट IVF कहते हैं और ये ट्रीटमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा लकीली। और इसमें काफ़ी कम इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत कम आपका कॉस्टिंग पड़ती है और ये एक बहुत अच्छी पद्धति है अभी के हिसाब से। और लोगों को इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और इस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। No.